ये आज सुबह सेकेंड टाइम निकला है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़ा सा किंडर जॉय का एड। ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, कैसे खुशियाँ मिलती हैं किंडर जॉय खाने से। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से 5 करोड़ 25 लाख लोग, 5 करोड़ 70 लाख लोग 2025 में हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के शिकार होंगे। उसमें से बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल डायबिटीज़ के शिकार होंगे, जो कि छोटे बच्चों को होता है। लेकिन ना हमारी सरकार और ना इन किसी भी कंपनियों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे ये सब ऐड पहली चीज़ दिन में उठ करके देखते हैं। मैंने अपने छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ट्रेन किया हुआ है कि सुबह न्यूज़पेपर लाना और पेड़ों में पानी डालना, 2 काम है उसका। ये दूसरी बार हुआ है इस हफ्ते जब ये सुबह सुबह वो बच्चा मेरे पास लेकर के आया है पेपर और मुझे बता रहा है कि उसको किंडर जॉय चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उसने ये चीज़ देखी है। अगर सीरियसली हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग को इसके ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान एक मार्केट की तरह ट्रीट हो रहा है, जिनके छोटे बच्चों को अभी इस तरह की सड़े चॉकलेट्स खिलाए जाएँ और बाद में 2025 में उनके बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज़ की दवाएँ दी जाएँ और इंसुलिन बेचा जाए। अगर हमने इसको रोका नहीं और हमने इसके खिलाफ़ कुछ बोला नहीं, तो ये मान के चलिए कि इनमें से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहे अपनी पूरी ज़िंदगी, जिनको पूरी ज़िंदगी ऑर्गन फेलियर का डर रहे, जिनका आधे से ज़्यादा कमाई दवाओं में चली जाए और बाद में किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, हर तरह की डिजीज़ मिलें। प्लीज़ शेयर करिए अगर आप अग्री कर रहे हैं तो।